भोजपुरी फिल्मों से जुड़ी चटपटी और मसालेदार खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल भोजपुरी फिल्मी तड़का को अभी सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ी किसी भी वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू ने नेपाल में की बाबा भोलेनाथ के 8 गानों की शूटिंग। सावन का महीना भोजपुरी के कलाकारों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता है, तभी तो इस महीने में बाबा भोलेनाथ की भक्ति गीतों की बहार आ जाती है। ऐसे में सुपरस्टार प्रदीप पांडे चिंटू कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी बाबा भोलेनाथ की भक्ति में अभी अभी 8 गानों की शूटिंग पूरी की है। दरअसल प्रदीप पांडे चिंटू एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में नेपाल में हैं, जहां उन्होंने हिमालय के तराई क्षेत्र में भगवान शिव को समर्पित गानों की शूटिंग पूरी की। इनमें पांडे जी का बेटा जल चढ़ाने आया है, लवर संग जाऊंगा जल ढारे, टिकट बाबा धाम के आदि जैसे गाने प्रमुख हैं। वहीं शूटिंग के दौरान उनकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है। इसको लेकर प्रदीप पांडे चिंटू ने कहा कि सावन का महीना हमारे लिए बेहद खास होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कृपा सबों पर है। भगवान शंकर हमारे आराध्य देव हैं, जिसके लिए हम अपनी श्रद्धा का लगाव कला के माध्यम से कर रहे हैं। तभी हमने फिल्म के बीच से समय निकाल कर शिव भक्ति के 8 गानों की शूटिंग नेपाल के तराई वाली क्षेत्र में पूरी की है। प्रदीप पांडे चिंटू को संगीत की विरासत पिता राजकुमार आर पांडे से मिली है। राजकुमार आर पांडे इंडस्ट्री के बेहतरीन म्यूजिशियन और फिल्मकार हैं। इसका असर भी प्रदीप पांडे चिंटू पर काफी है। यही वजह है कि चिंटू भी अपने पिता की तरह काफी डायनेमिक और प्रतिभाशाली हैं। भले वे इन दिनों फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में नेपाल में हैं, लेकिन इसी बीच उन्होंने समय निकाल कर सावन के गानों की रिकॉर्डिंग पूरी कर ली है। वहीं जल्द ही प्रदीप पांडे चिंटू की एक बेहतरीन फैमिली ड्रामा वाली फिल्म विवाह रिलीज होने वाली है। इसमें उनके साथ संचिता बनर्जी, पाखी हेगड़े, काजल राघवानी आदि नजर आएंगी। भोजपुरी फिल्मों के हर एक अपडेट जानने के लिए स्टे कनेक्टेड विद भोजपुरी फिल्मी तड़का।